आईपीएल का आधा सीजन खत्म हो चुका है मगर सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं दिख रही। सबसे पहले तो कप्तानी पे जितने सवाल उठे जिसकी वजह से उन्हें कप्तानी चेंज करनी पड़ी। गई कैप्टनसी डेविड वॉर्नर से केन विलियमसन और उनकी जो पहली मैच हुई नए कैप्टनसी के अंडर वो थी राजस्थान के अगेंस्ट। उसमें और एक बड़ा ब्लो ये था कि वॉर्नर को बेंच किया गया और उनकी जगह पे लाए गए वापस नबी। तो अब इतनी बड़ी न्यूज जब टॉम मूडी जो हैदराबाद के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है उन्होंने जब मैच के पहले दी तब जाहिर सी बात है कि सारे फैंस सारे व्यूअर्स इतने सरप्राइज रह गए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि वॉर्नर खुद काफी सैड और डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे जब उन्हें पता चला कि वो ये गेम नहीं खेल पाएंगे। मगर वो टॉम मूडी ने ये भी कहा कि वॉर्नर ने ये बात बहुत अच्छे से ली और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि शायद उनके परफॉर्मेंसेज आज तक इतने अच्छे नहीं रहे तो यही बेहतर रहेगा कि वो बाहर बैठे। और ये एक ही मैच ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट टॉम मूडी ने ये भी कहा कि कुछ गेम्स हम उन्हें बाहर बिठाएंगे। ऑफकोर्स ये पूरे फैंस के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज है क्योंकि जब एक प्लेयर इतने बड़े स्टेटस का प्लेयर आपके लिए कंटिन्यूसली हर साल इतना अच्छा परफॉर्म करे और बस एक साल शायद वो इतने ना चले और आप उनको बिठा दे वो भी डेविड वॉर्नर के जैसे बड़े प्लेयर तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। मगर हम सब वापस रुके हैं कि कब वो आएंगे और जो पहला अग्रेसिव डेविड वॉर्नर हम देखते थे वो कब देख पाएंगे क्योंकि अभी तो उनके ऊपर से जो कप्तानी का प्रेशर शायद जो था वो हट गया तो उसके वजह से शायद हम देख पाए एक बहुत ही रिज्यूविनेटेड एक बहुत ही नए से वॉर्नर जो पहले हमेशा अग्रेसिव वे में खेलते हैं वैसे ही वापस आईपीएल में खेले और दिखा दे सिर्फ हमें नहीं बल्कि मैनेजमेंट को भी कि कितने अच्छे प्लेयर वो हो सकते हैं।